और इसी तरह से। तो ये है पेज नंबर 155, 156। सही है। अच्छा, जल्दी से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ये पता है कि जब डिफरेंशिएशन होती है, जल्दी जल्दी करो, पेज 156 कि डिफरेंशिएशन जब होती है तो हमें पावर्स जो होती हैं वो न्यूमरेटर में चाहिए होती हैं। पावर्स ऑफ एक्स एक्सप्रेस होनी चाहिए न्यूमरेटर में। फिर हो जाता है 5x पावर 3, 3x पावर -2 प्लस 2x पावर ½ सही है। अभी मैंने सिर्फ पावर्स को सिर्फ मॉडिफाई किए। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। डिफरेंशिएट करने के लिए लिखते हैं dy/dx, या फिर और क्या लिखते हैं f bar x भी लिखते हैं। सही है। ये होता क्या है, dy/dx या f bar of x, इट्स द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। इसमें कोई आप वैल्यू लगा देंगे तो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बन जाएगा ये। सही है। अच्छा, डिफरेंशिएट कैसे करते थे, पावर को नीचे लाते थे और एक पावर कम कर देते थे। तो ये कितना बन जाएगा, 15x स्क्वायर, फिर आगे 6x पावर -3। सही है। प्लस हाफ इंटू 2 करूँगा तो ये बन जाएगा ½ - 1। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 15x स्क्वायर प्लस 6x पावर -3 प्लस x पावर -½। ½ - 1 जो होता है वो -½ होता है। पार्ट बी में कैसे करोगे, फिर उससे क्या होगा। अच्छा, इसमें अगर तुम ऊपर भी ला रहे हो ना तो 2 जो होगा वो ऊपर नहीं आएगा, वरना वो 2 पावर -1 बन जाएगा। एस में नहीं लगा सकते अली। सही है। हाँ, सिर्फ x³ को ऊपर ले जाएंगे। या कासिम, उससे भी आसान में करूँ तो सेपरेट कर दें टर्म्स भाई। हाँ, अभी तो मैं इस फॉर्म में ला रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो ना। अभी तो डिफरेंशिएशन ही पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये जूम वाली क्लास एंड हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना प्लीज़। ये बनेगा x पावर 5/2 -2x³ प्लस 1/2 सॉरी x पावर -1/2। सही है। मैं इसी फॉर्म में सबको ले आया कि मैं डिफरेंशिएट कर पाऊँ। सही। अब मैं dy/dx करूँगा। ये हो जाएगा 5x पावर 4/2 -6x स्क्वायर -x पावर -1 -1 -2 बनाएगा मिला के, डिवाइडेड बाई 2। 2 की जगह 4 लिखते हैं, 2। ओके, फिर इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे? अच्छा, आप सबने अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा होता है। मैं इसको इस तरह पढ़ाता हूँ कि अगर आपके पास कोई ब्रैकेट है जिसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है और उसके ऊपर पावर लगी हुई है, सही है, तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो अगर पावर को एक्सपैंड कर सकते हैं तो आप पूरा एक्सपैंड कर दें, अलग अलग टर्म्स आ जाएंगे, या फिर आसान तरीका क्या होता है कि आप उसी तरह पावर को नीचे लाएं, एक पावर कम कर दें और फिर मल्टीप्लाई करें किससे, जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ हो उसको डिफ्रेंशिएट करके बाहर मल्टीप्लाई करें, सही है। उसको मैंने लिखा है एफ बार ऑफ एक्स, के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, उसका डिफरेंशियल बाहर आ रहा है, सही है। तो ये अभी बार बार a2 में तो बार बार आएगा ये आपके पास, सही है। अब इसके अंदर हो सकता है कभी cos x लिखा होगा, कभी e पावर x लिखा होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो 3x माइनस 5 पावर 4, तो ये y है, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, 4 3x माइनस 5 क्यूब्ड इंटू 3, इंटीग्रेशन में, सही है। ये वाला भी डिजायर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसको ऊपर लाएंगे और पावर को सही एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि जब तक न्यूमरेटर में नहीं होता तब तक मुझे पावर को डिफरेंशिएट करना नहीं आता, अभी a2 में सीखूंगा मैं। ये नीचे आएगा माइनस हाफ इंटू 4, 1 माइनस 2x माइनस हाफ माइनस 1 इंटू माइनस 2, 1 का डिफरेंशियल 0 माइनस 2x का माइनस 2, सही। कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, मैं कर देता हूँ, और वो बाय वाला भी आ जाएगा माइनस 4 1 माइनस 2x पावर माइनस 3/2, सही है। ये बायर, अच्छा ये 2 थे माइनस, सही है, मैंने नोटिस नहीं किया, +4 हो जाएगा, यू राइट। सही, आगे बढ़े। यहाँ पे मैंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 1, -3। नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सही है। जब आप dy बाई डी एक्स में x की कोई वैल्यू लगा देते हैं तो ये क्या दे देता है, ये दे देता है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू a। सो नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल इज Perpendicular to tangent. Gradient is what? Gradient is negative reciprocal. Okay. So dy by डी एक्स क्या आएगा, 3x² माइनस 10x प्लस 2, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसीशन 0 होती है। इसमें पहले क्या लगाऊंगा मैं, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या लगानी है, उसने कहा 0.1, -3, तो पहले मैंने 1 लगा दिया, और ये क्या आया, ये आया ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। मुझे क्या चाहिए, मुझे ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो मैं इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा, y माइनस y1 mx माइनस x1। So 5y plus 15. इक्वेशन बनानी है ना, सही है। फिर मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स। तो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते थे, जिनका डीवाई बाई डी एक्स जो होता है वो जीरो होता है। जब हम अगर टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट का ग्रेडियंट जीरो आता है, सही है। जब डीवाई बाई डी एक्स जीरो हो तो हम कहते हैं कि इट इज अ स्टेशनरी पॉइंट, सही। अच्छा, फिर वो कहता है एंड डिटरमिन देयर नेचर। ओके, डिटरमिन देयर नेचर में क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशियल करना पड़ता था। ये बंद कर देना इसी, सही है। डबल डिफरेंशियल यानी डिफरेंशिएशन को एक और बार करना पड़ता था। इसमें जब एक्स की वैल्यूज लगाते थे तो अगर ये पॉजिटिव आए तो मिनिमम पॉइंट होता था, और अगर ये नेगेटिव आए तो मैक्सिमम पॉइंट होता था, सही है। तो हम पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0। ऐप क्रैश हो गया। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 0 डिफरेंशिएट हो गया। फिर अब क्या करूँगा, इक्वल्स टू 0। मेरे पास चॉइस है, मैं कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आ रही है, a3b माइनस 6c0। तो कैलकुलेटर जो है वो x की दो वैल्यूज़ मुझे दे देगा, एक दे देगा 2 और एक दे देगा 0। What is happening to this? सही है। उसने कहा फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है या सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट, तो फिर मैं दोनों निकालूंगा, सही है। मैंने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, वापस इक्वेशन में रखकर। तो 8 माइनस 12 माइनस प्लस 2 माइनस 2। तो 2 कॉमा माइनस 2 एंड 0 कॉमा 2। सही है यहाँ तक। अब नेचर डिटरमिन करनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा यहाँ पे लिखते हैं, सही है। पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स को लिख लेता हूँ, फिर एक और बात मुझे आपको बतानी है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि नेचर डिटरमिन करने का एक तरीका तो आपने सीखा हुआ है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द डबल डिफरेंशियल। यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि नेचर डिटरमिन करने के लिए एक और भी मेथड यूज़ होता है। बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे कासम सिर्फ क्वाड्रेटिक्स में चल सकता है और कहीं भी नहीं चलता, सही है। तो हमें ऐसा मेथड चाहिए जो हर जगह चलता हो। एक तो ये है कि मैं डबल डिफरेंशिएट कर लूँ, अभी तो आ जाएगा आंसर, एंड दैट्स द सिंपलर वे आउट। बट अली व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इज के अभी जब हम A2 की डिफरेंशिएशन करेंगे तो कहीं कहीं डिफरेंशिएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से आएगी, उसमें E भी होगा, उसमें LN भी होगा, उसमें cos x भी होगा, उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो रही होंगी, मल्टीप्लाई डिवाइड भी सारी टर्म्स हो रही होंगी। तो कहीं कहीं डबल डिफरेंशियल करना जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, सही। तो उसके लिए कोई आसान तरीका भी होना चाहिए। अब वो आसान तरीका क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं अभी A2 के क्वेश्चन में आपको किसी में लगा के भी दिखाऊंगा, सही है। तो आसान तरीका क्या है कि आपने कहा कि आपकी वैल्यू जो है, टर्निंग पॉइंट जो आया है वो एक x equals to 2 पे आया है। तो आप एक 2 से पहले थोड़ा सा नंबर ले लें और एक 2 के बाद थोड़ा सा नंबर ले लें। कौन सा नंबर ले लूँ? मैंने कहा मैं 1.5 और 2.5, सही है, 2 के आसपास। आप 1.6 लेना चाहें, 2.6 लेना चाहें, कोई एतराज़ नहीं है मुझे, सही है। अब आपने डबल डिफरेंशियल नहीं करना, आपने इंस्टेड क्या करना है, आपने जो है वो इनकी वैल्यूज़ निकालनी है dy/dx एट 1.5, सही है। कैलकुलेटर से निकाल के बताओ, एक दफ़ा 1.5 और एक दफ़ा 2.5। -9/4 नेगेटिव आ गया, सही है। और -15/4, सही है। अब नोटिस करो कासिम, मैंने ये डबल डिफरेंशिएट नहीं किया, मैंने तो आपको सिर्फ फर्स्ट डिफरेंशियल, यानी ये मैंने ग्रेडियंट्स निकाल के बताए। किसके ग्रेडियंट्स? टेंजेंट्स के ग्रेडियंट, सही। अगर टेंजेंट का ग्रेडियंट नेगेटिव है तो क्या तुम्हें ये बात समझ आती है कि टेंजेंट यूं करके जा रही होगी, सही है, फिर 2 आएगा और फिर यूं करके जा रही होगी क्योंकि पॉजिटिव हो गया बाद में ग्रेडियंट। यानी कर्व का शेप कैसा बन रहा है तुम्हारे पास? तो 2 कैसा पॉइंट होगा? शेप क्या नजर आ रहा है? 2 मिनिमम पॉइंट में नजर आ रहा है ना तुम्हें, सही है। सो 2 इज अ मिनिमम पॉइंट। So when the expression that you are supposed to double differentiate is very complicated, तो आप ये इस तरह values assume करके भी करते हैं, सही है। और कहीं अगर 2 मार्क का है ना तो यही बेहतर आइडिया है। अब मैं बहुत complicated सा एक डबल डिफरेंशियल दे दूँ, फर्स्ट डिफरेंशियल दे दूँ जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब आ रहे हैं, और मैं आपसे कहूँ कि अब आप डिफरेंशिएट करके दिखाएं, तो नहीं होगा, सही है। और फिर एक सिंपल सी बात है कि ये अगर मिनिमम आया तो दूसरा वाला क्या आएगा? मैक्सिमम। आगे से ही घूमेगा ना, सही है, या उसके पीछे भी घूम रहा होगा तो कोई मसला नहीं है। एक मिनिमम आया है तो दूसरा मैक्सिमम आएगा, सही है। उसको भी तुम ऐसे ही चेक कर सकते हो। तुम्हारे पास 0 है ना, तो तुमने कहा 0.5 ले लें और -0.5 ले लें, वही पर तुम्हें पता चलेगा कि पहले उसका ग्रेडियंट यूँ जा रहा होगा, बाद में जो है वो ये नीचे आ रहा होगा, सही है। So that is how you check for determine the nature manually just using the first differential. The first differential तो जाहिर सी बात है आपने निकाला ही होगा, उसके बगैर तो स्टेशनरी पॉइंट आते ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, मार्किंग सीम में नज़र भी आएगा। जहाँ नेचर डिटर्मिन करने की कासिम बात आती है ना, वो मेथड पे कोई मार्क्स नहीं देता, वो तुम्हें आंसर पे मार्क्स देगा। 2 मार्क होंगे, तुमने सही डिटर्मिन की तो सही है, नहीं डिटर्मिन की तो नहीं है। कहीं क्वेश्चन ने पूछ लिया कि डबल डिफरेंशियल क्या है, फिर तो कोई चॉइस नहीं है ना, फिर तो डबल डिफरेंशिएट ही करना है, ओके। चले जी, अगला सवाल देखते हैं। एग्जाम्पल 5 कहता है द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज दिस, फाइंड dy बाय dx। सही है, वो बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है। मुझे पार्ट 3 कराना है इसलिए मैं स्टार्ट से करा रहा हूँ। सही, आज की क्लास में सही है, स्टार्ट कर देंगे, अभी देख लेते हैं। ओके, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज दिस, फाइंड dy बाय dx। तो आपने कहा कि सर dy बाय dx निकालने के लिए क्या करूं? पहले पावर को नीचे लाऊंगा, एक पावर कम हो जाएगी, और फिर बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट विच इज 2 और -4x की डिफरेंशिएशन। -4 कांस्टेंट नहीं है, x लगा हुआ है ना। सही है, सो -4। तो ये बन गया 2x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4। सही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस। व्हेन डू आई इंटरसेक्ट द y एक्सिस? व्हेन x इज 0। तो किस पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालने को कह रहा हूँ? x की वैल्यू 0 पे। तो अभी अली डायरेक्ट कर सकते हैं, ये पार्ट 2 कर रहा हूँ मैं। फाइव ग्रेडियंट आ गया 5। इक्वेशन निकालनी है तो मैंने इक्वेशन का फॉर्मूला लिख दिया, y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1। सो y माइनस, हाँ सही है, y नहीं है, y1 नहीं है मेरे पास, सिर्फ x1 है ना। तो मुझे y1 भी चाहिए होगा। y1 कैसे निकालूंगा मैं? x की वैल्यू यहाँ पे आके 0 रख देता हूँ। (27/6) is 9/2 minus 9/2, so minus 9/2. Y plus 9/2 m m क्या है? 5 ना, एक टेंजेंट ही निकालिए ना। हाँ, माइनस 9/2 आ रही है। (5x minus 9/2). सही है। अच्छा भाई, फिर ये हो गया। इट्स द थर्ड पार्ट दैट आई वांटेड टू टीच यू। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते थे? सही है, अब ये A2 में भी कहीं कहीं प्रूव करने को आएगा। जब dy बाई डी एक्स जो हो वो पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन 0 हो तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और डिक्रीजिंग क्या होते हैं? dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव और लेस देन 0। सही है, तो क्या करना है? फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सो मैंने कहा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। सही है, अब वैसे तो इसको एक्सपैंड करके एज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना चाहिए। वैसे भी कर सकते हैं कि मैं पूरा एक्सपैंड करूं, फिर जिस तरह सॉल्व होती है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी उस तरह सॉल्व करें। अब क्योंकि AS मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो आपका हो सकता है तरीका डिफरेंट हो, तो मैं आपको 2 बातें यहाँ पे बता रहा हूँ, दोनों का ख्याल रखिएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक तो खास से मैंने कहा कि मैं इसको नॉर्मल जिस तरह एक्सपैंड करते हैं इस तरह एक्सपैंड कर दिया, 4x² माइनस 12x प्लस 5। सही है, नाउ माई कैलकुलेटर इज इंटेलिजेंट, सो वट इट कैन डू इज इट कैन टेल मी द करेक्ट आंसर विदाउट मैसिंग इट अप। सही है, 4 माइनस 12 और 5, तो मैं अपने कैलकुलेटर पे गया। हाँ, लेकिन साइंस क्या लगाओगे अली? ग्रेटर देन लेस देन याद है तुम्हें? नहीं तो देखो, ये वाइट वाला जो कैलकुलेटर है ना, ये डायरेक्ट भी बता देता है। तो ये क्या सॉल्व कर रहा था मैं? ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर रहा था ना। तो 4 माइनस 12 और 5, So x is less than half and x is greater than 5/2. सही है, x is less than half और x is greater than 5/2. ये कैलकुलेटर ने बता दिया. अगर अली मुझे इसको मैन्युअली करना होता तो जिस तरह तुमने मुझे अभी दो रूट्स बताए मैं उस तरह निकालता, फिर मैं अपने लिए एक छोटा सा स्केच बनाता और फिर उसमें शेडिंग से डिसाइड करता कि कौन सा आंसर होना चाहिए. ग्रेटर देन 0 यानी कर्व का ये वाला पार्ट शेडेड होना चाहिए. और इन वैल्यूज़ को कासिम डिस्क्राइब कैसे करूँगा? ये पहली वाली जो येलो वाली वैल्यूज़ हैं ये कहाँ जा रही हैं? ये हाफ से कम जा रही हैं. सो एक्स इज़ लेस देन हाफ. और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं अगली वाली ये आगे जा रही हैं. सो एक्स इज़ ग्रेटर देन 5/2. सही है. उससे और एक आसान बात बता दूँ मैं तो वो ये वाली होगी कि तुम इधर लेके गए 4 को, तुमने एक्सपैंड नहीं किया, फिर तुमने कहा सर रूट लगा दें. अगर सही है रूट लगा दें. जब रूट लगाते हैं तो दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो तुमने सिर्फ याद क्या रखना है कि अब जब तुम नेगेटिव की साइन खुद से लगाओगे तो तुम्हें इस इनइक्वालिटी को भी फ्लिप कर देना है. तो ये फिर से खुद ही सही आंसर दे देगा. सही है. तो मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए. अब जाहिर सी बात है ये चीज़ें एएस में ज़्यादा डेप्थ में होती हैं. A2 में वंस इन अ ब्लू मून कहीं नज़र आ रहा होगा कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़े. मैं माई बेस्ट आइडिया वुड बी कि आप जो है वो कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लें. ख़ासतौर पर ये वाइट वाला जो कैलकुलेटर है क्लासेस वाला, ये बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर देता है. सही है. और अगर आप S2 पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली भी हो जाती हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी से हो जाएगी, बाइनॉमियल, पॉइसन, सब जल्दी जल्दी हो जाता है. तो मैं S2 क्या था, M1 क्या था, M1 क्या था. जी, मैं ही सब कुछ पढ़ाऊँगा. बाद में क्लास स्प्लिट हो जाएगी M1 और S2 के लिए. S2 की भी क्लासेस होंगी, M1 की भी क्लासेस होंगी. को आफ्टर जनवरी तक हम P3 ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद फिर जिसको M1 वाला पढ़ना है वो M1 वाली क्लासेस लें, तो S2 पढ़ना है. अगर S1 आता है अच्छे से तो S2 देना चाहिए. अगर S1 नहीं आता अच्छे से तो फिर M1 देना चाहिए. सही है. चले जी. एग्जाम्पल 6 जो है वो इट्स अबाउट प्रूविंग एंड एवरीथिंग गिवन दैट x कैन वेरी फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ a. इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि अभी भी जो है वो आपको वॉल्यूम, एरिया, ये सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए. उसके बगैर पेपर में कहीं कहीं फंस जाओगे. सही है. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, अब तो ये फार्मूला शीट में भी लिखे हुए होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उस वक्त क्लिक करना इंपॉर्टेंट है कि भाई अब ये करना है. सही है. सो ये एरिया वॉल्यूम याद होने चाहिए. दिखाना मुझे आज के लिए आखिरी चीज़ क्या है, रेट ऑफ चेंज. सही है. अब इसको चेन रूल भी आप लोगों ने शायद करके पढ़ा हो. सही है. विच एवर वे यू वांट टू डू. मैं सिर्फ यहाँ पे आपको चीज़ें फ़िल्टर करना सिखाऊंगा और मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा कि भाई मैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करता हूँ. सही है. अगर आपको पहले से आते हैं, सही से करना आते हैं, कोई मसला नहीं, उसी तरीके से करें. सबका अलग अलग तरीका होता है. तो मैं आपको अभी जो है वो एक पर्टिकुलर तरीका बताऊँगा. उसने कहा द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज़ इंक्रीजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. जब भी ये पर सेकेंड या रेट की बात करता है तो क्या चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है, dt इन्वॉल्व हो जाता है. तो ये क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम. तो मैं इसको कहूँगा दिस इज dv/dt. उसकी वैल्यू है 50. तो क्या फाइंड द रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ रेडियस, यानी वो क्या फाइंड करने को बोल रहा है, वो dr/dt. सही है. When the radius is 10 सेंटीमीटर्स, रेडियस की वैल्यू उस वक्त क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, r की वैल्यू. अब हमेशा जब भी रेट ऑफ चेंज का सवाल आएगा तो या तो कोई फार्मूला इन्वॉल्व होगा या कोई इक्वेशन इन्वॉल्व होगी. उस फार्मूला को एज इट इज़ भी नहीं यूज़ कर सकते, उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. जब v और r वाली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या जनरेट होगा, dv/dr. जिस तरह पहले dy/dx आ रहा था, अब dv/dr आएगा. तो ये बनेगा 12/3 πr². 3 नीचे आया और मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गए 4 πr². सही है. अब चेन रूल हर बंदे का सिखाने का अलग तरीका होता है. मैं इस तरह सिखाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि आपकी जो डिफ्रेंशिएशन आई हुई है, आपने जो डिफ्रेंशिएट किया उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है। कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है? आप न्यूमरेटर के साथ भी dt लगा दें स्लैश लगा के, और डिनोमिनेटर के साथ भी dt लगा दें, तो dv over dr इज इक्वल्स टू dv over dt डिवाइडेड बाय dr over dt। अब मुझे बताओ इसमें से क्या क्या हमारे पास है। ये है, इसकी वैल्यू क्या है? 4 पाई r स्क्वायर। dv over dt है 50, तो एक अननोन रह गया क्वेश्चन के अंदर। r की वैल्यू तो पता है ना, तो ये dr over dt यहाँ पे आ जाएगा और r की जगह 10 आ जाएगा। चेक कर लो 0.0398 आता है या नहीं आता। तो मैं चेन रूल किस तरह सिखाता हूँ? वैसे मैं सिखाता हूँ ब्रेक डाउन करो अपने डिफरेंशियल को, न्यूमरेटर में भी dt लगा दो, न्यूमरेटर वाले वेरिएबल के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। सही है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं सीखने के, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप सही तरीका कर रहे हैं तो करें। सही है, एक शायद अगर सीखा हुआ है तो एक ये होता है, ये सीखा है ना, सही है। अब इसमें परेशानी मुझे ये होती है कि तुम लोग हर वक्त सोचते ही रहते हो कौन सा वेरिएबल कहाँ पे, और उसमें गलत ही आता है फिर इधर यहाँ नहीं, जिस तरह मैंने लिखा उसमें नहीं जाएगा। अली देखो ये बराबर बन रहा है, ये बराबर बनना चाहिए तभी चेन रूल वैलिड होता है। अब तुमने शायद जो है ना वो उसको डिफरेंट ऑर्डर में सीखा होगा, इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा था। सही है, मैं वही तो कह रहा हूँ हर टीचर का ऑर्डर अपना डिफरेंट होता है ना। तो मैंने ऑर्डर क्या रखा हुआ है कि मैं अपने डिफरेंशियल से ब्रेक डाउन करता हूँ डीटीज में। सही है, आई फाइंड दैट इजियर टू एक्सप्लेन। आगे जाके अभी एक डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, उसमें फिर गलत होने का चांस कम हो जाता है इफ यू डू दिस। ओके, सही है जी, दैट्स इट फॉर टुडे। हम आपको नज़र आ रहा है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक स्टार्ट हो गया। प्लीज़ डिफरेंशिएशन की कोई क्लास मिस नहीं करनी, वरना ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा वो, और डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सही है, चलिए जी, आई विल सी यू नाउ इन द नेक्स्ट क्लास। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go! At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries, we offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.